उत्तराखंड से आपको खबर बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिवाली के दिन टनल का आधा हिस्सा गिर गया था। निर्माणाधीन टनल के आधे हिस्से में इस वक्त भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 5 दिन हो चुके हैं मजदूरों को यहां फंसे हुए। टनल की खुदाई के वक्त ये मजदूर यहां पर टनल गिरने से फंस गए थे। फंसे हुए मजदूरों को बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, कि पाइप के जरिए निकालने की अब कोशिश की जा रही है। आधुनिक मशीनों को भी रेस्क्यू में अब लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां सामने आ रही है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 5 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन अब तक किसी भी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा पाया है। लेकिन ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि जो मजदूर हैं वो सकुशल हैं और उन्हें पाइप के जरिए कोशिश की जा रही है कि पीने का पानी और खाना जो है वो पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जो सेहत है वो सही रहे। टनल की खुदाई के समय बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले मजदूर जो है फंस गए थे। 40 की संख्या है मजदूरों की। निर्माणाधीन टनल यहां पर बनाया जा रहा था और अब आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि इसके पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो उसकी वजह से काफी डीले यहां पर हो रहा था। यही वजह है कि अब प्लान को बदला गया है, अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके अब रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं टनल की खुदाई के वक्त मजदूर यहां पर फंस गए थे, क्योंकि टनल का निर्माणाधीन टनल का आधा हिस्सा जो है वो गिर गया था। 40 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। और टनल की खुदाई के समय ये मजदूर फंस गए थे और फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आधुनिक मशीनों को भी रेस्क्यू में लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अभी भी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए अब निकालने की कोशिश की जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि खाने की चीज़ें भी उन तक पाइप के जरिए ही पहुंचाई जा रही है। आधुनिक मशीनों को भी अब रेस्क्यू में लगा दिया गया है। देखने वाली बात होगी कब तक सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है। तो 5 दिन से लगातार 40 मजदूर हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है, लगातार कोशिश भी टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जारी है कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए और अब आधुनिक मशीनों को भी उपयोग में लाया जा रहा है।